श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी कहते हैं जब भी सोमवार के दिन विशेष पंचमी पड़े ना तो इस उपाय को कर लेना चाहिए। जीवन में दुख दरिद्रता रोग शोक संकट और पीड़ा का निदान करने के लिए यह सोमवार तो अपने आप में बहुत विशेष हो रहा है, क्योंकि इस दिन जो है आप जानते होंगे ज्येष्ठ माह का यह महीना है और इसमें गर्मी चरम सीमा पर है। ऐसे में यह नवतपा सोमवार कहलाता है। इस दिन महादेव के निमित्त सरल से अगर कार्य किए जाए तो उन्हें परम इसका सुख मिलता है और खुशियाँ परिवार में बनी रहती है। तो इस उपाय को करने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया है, परंतु श्रेष्ठ नियम के तहत आप इसे कर लेते हैं तो परिवार में बरकत होती है, विवाह होता है, खुशियां अपने आप में अद्भुत स्वरूप में आप बिन मांगी ही पालेंगे। आप सभी इस उपाय को शिव मंदिर में करते हैं तो अत्यधिक श्रेष्ठ है। देखिए जी, परंतु हर एक व्यक्ति की क्षमता इतनी नहीं होती, शिव मंदिर दूर होता है, शरीर साथ नहीं देता, तो न कर पाने के से बेहतर है आप कुछ ना कुछ करें। महादेव और मेरे सभी देवी देवताओं को दिया गया समय कभी खाली नहीं जाता, उसका बहुत सुंदर परिणाम हमें जीवन में मिलता है और साथ ही शिव भक्ति हमारे जीवन में अपने आप ही रसतत्व के रूप में घुलते चले जाती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से चाहे तो शिव मंदिर जाएं, अत्यधिक उत्तम है, श्रेष्ठ है। न जा पाने की स्थिति में घर पर भी आप सभी उपाय कर सकते हैं। आप सभी को उपाय करने के लिए गुरु जी कहते हैं एक चावल का दाना। जब नारी के जीवन में दुख बढ़ रहा हो, दरिद्रता बढ़ रही हो, अपने आप में हमेशा वह दुख पा रही हो, या पुरुष जन भी उपाय कर सकते हैं, आपको लेना है एक दाना चावल का, पूजा की थाली में रख लेना है, साथ में लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप सभी जानते होंगे महादेव पर समर्पित किया जाता है, लेपन किया जाता है, या महादेव के शिवलिंग पर अलग उपायों के रूप में शहद का प्रयोग होता है। दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत के रूप में भी इनका एक विशेष स्थान है। पंचामृत अर्थात पंच अमृत, यह चीज सभी चीज़ें जो पांच होती है वह एक औषधि के स्वरूप में भी कही जाती है। इनका अपने आप में सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो आपको अपने पूजा की थाली में थोड़ा एक चम्मच शहद रख लेना है, एक चावल का दाना लेना है और एक सफ़ेद फूल आपको ले लेना है। यह सभी चीज़ें सफ़ेद फूल एक चावल का दाना चंद्रमा से संबंध रखता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। अब आप सभी को लेनी है मात्र इनके साथ एक बेलपत्र। बेलपत्र आप से ऊपर चढ़ी ले सकते हैं, नई जैसी भी है, जिस स्वरूप में भी है, आप एक बेलपत्र ले लीजिए। तो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफ़ेद फूल और थोड़ा सा शहद। अब जल का लोटा आप कोशिश करें, इस ज्येष्ठ नवतपा में आप सभी आवश्यक रूप से ठंडा पानी ही ले, या तो मटके का ले। आप जैसा अपने लिए प्रयोग करते हैं ना, आप भी तो ठंडा पानी पी रहे हैं, तो कोशिश करें मटके का जल लें या मिट्टी के पात्र में, जैसा भी है जिस स्वरूप में, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें महादेव के शिवलिंग को, महादेव को भी आप ठंडी चीज़ों की ही सेवा दें, शुभ माना जाएगा। तो आप सभी को जल के लोटे को ठंडा तांबे के बर्तन में ले लेना है, अत्यधिक श्रेष्ठ से कहा जाता है। पीतल का लोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें आप सभी को डाल लेना है शहद। शहद आप सभी जब डालें या महादेव के निमित्त पूजा की थाली तैयार करें ना, तो आप सभी को आवश्यक रूप से नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निरंतर स्वरूप में करते रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अगर आप जैसे दिन चढ़ने से शुरुआत से करते हैं, कहने का अर्थ है दिन की शुरुआत से करते हैं, तो श्री शिवाय नमस्तु भ्रम अर्थात श्री जो कि माता रानी के स्मरण में है, शिवाय अर्थात मेरे महादेव को समर्पण में है, तो आप दोनों का ध्यान कर लेते हैं। श्री शिवाय अर्थात शिव और शक्ति का ध्यान कर लेते हैं, तो आप जीवन में सबसे महामंत्र का जाप कर रहे होते हैं, जिसे चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को यह पूजा की थाली जो है लगा लेनी है। अब आप सभी को आवश्यक रूप से या तो महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। उपाय को करने के साथ के साथ महिला है या पुरुष है तो वह अपनी शिखा को बांध ले अर्थात बालों को बांध ले, सुंदर श्रृंगारित हो जाए। पुरुष जन मस्तक पर चंदन धारण करें तो अत्यधिक शुभ रहता है, इससे क्रोध भी कम रहता है और साथ ही खुशियां जीवन में एक अलग ही तरह का जो है मन तन प्रसन्न होता है। चंदन का हर स्वरूप में लेपन सुखद माना जाता है। महिला भी चंदन धारण कर सकती है। महिला अपनी मांग में सिंदूर, मस्तक पर बिंदी इत्यादि लगाकर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पूजा के लिए बैठ जाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। साथ के साथ आप जो विशेष उपाय करने के लिए सामग्री लेकर गए हैं, अब आप सभी को आसन का चुनाव कर लेना है, यह भी श्रेष्ठता के स्वरूप में होता है। पैरों में चप्पल इत्यादि पहन के जाइएगा, मंदिर जा रहे हैं तो गर्मी चरम सीमा पर है, घर पर कर रहे हैं तो भी अत्यधिक श्रेष्ठ ही है। निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए शहद मिश्रित जो जल है उसे सबसे पहले आपको जो है शिवलिंग पर समर्पित करना है प्रभु का स्मरण करते हुए। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से शहद मिश्रित जल आप चाहें तो पंच स्थानों पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर
उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर समर्पित करते हुए गोल जो जलाधारी है अर्थात जिस पर माता रानी का हस्त कमल है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस पर स्पर्श जो है जल समर्पित करने के बाद अंत में शिवलिंग पर भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको इस तरह से जो है पंच स्थानों पर जल का अभिषेक सोमवार के दिन करना चाहिए। चाहे तो आपको ऐसा नहीं आ पाता है, आप साधारण सरल तरीके से जल्दी में है तो सिर्फ आप जल का लोटा भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे तो भी यह पर्याप्त रहेगा। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो इन पंच स्थानों पर जल का अभिषेक आपको करना है। उसके बाद आप सभी को जो है एक जो चावल का दाना आपने लिया है, एक बेलपत्र और थोड़ा सा आप लेकर गए हैं विशेष तौर पर सफ़ेद फूल, एक चावल का दाना, एक सफ़ेद फूल और एक बेलपत्र हमें लेना था। बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो शिव पर चढ़ी हुई नई जो है नया बेलपत्र ना मिल पाने की स्थिति में आप पुराना बेलपत्र भी जो है वह ले सकते हैं, वह धुला हुआ हो, टूटा फूटा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अब आप सभी को इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले जो है 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए जो यह उपाय कर लेता है वह परम सुख प्राप्त करता है। तो जो चावल का दाना है ना वह आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कि हे माँ अशोक सुंदरी आप जो है माता महादेव और माता रानी की सबसे छोटी पुत्री है, मेरे दुखों का निवारण करें और महादेव तक मेरी हर बात पहुंचाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए चावल का दाना आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और एक सफेद फूल, एक बेलपत्र आपको अपने मन की कामना कहते हुए साधारण सरल तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए गुरु जी कहते हैं शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। फिर देखिए जीवन में कैसा चमत्कार होता है, किस तरह से खुशियाँ आती है, आप कमेंट्स में और गुरुजी को स्वयं ही पत्र के माध्यम से कहेंगे। तो यह साधारण सरल सा उपाय है। फिर आप एक दीपक लगाएं गोलबत्ती का, उससे प्रभु की आराधना करें, बस यही सरल सा उपाय है। अब थोड़ी देर जैसे नंदी महाराज महादेव को देखते हैं उसी तरह एक टक जो है आप अपनी झोली पसार लीजिए, कह लीजिए कि हे महादेव आप है कर्ता धर्ता, मेरे सुख दुख स्वरूप में आप ही देंगे, जिस भी स्वरूप में देंगे मुझे विश्वास है, बस मेरा कार्य कर्म करना है और फल देना आपकी इच्छा है, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने मनोती कहें। फिर देखिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण से आपने जो यह एक सफ़ेद फूल, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और शहद मिला हुआ जल शिव पर समर्पित किया है, वह कैसा चमत्कार होता है, खुशियाँ परिवार में बनी रहती हैं। तो करके देखिएगा प्रथम वाला उपाय, जीवन में अपने आप ही सब सुख आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर। इससे पहले भी मैंने एक विशेष वीडियो आपके लिए दिया है, कृपया उसे भी देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। जीवन समृद्ध बनाने के लिए यह उपाय एक तरह से चमत्कार करते हैं। आप विश्वास से करेंगे तो जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं, निश्चित ही आपको इसका फल स्वतः ही मिलना आरम्भ हो जाएगा। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप भी सोमवार के दिन बहुत अच्छा अवसर देती है जीवन जीने का। हर हर महादेव।